नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल से शुरू होगा पंचायत चुनाव के दूसरे फेज का नामांकन। प्रदेश में अभी सताएगी उमस भरी गर्मी। इस सप्ताह आ सकता है 67वीं बीपीएससी का विज्ञापन। आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़। राज्य भर में आज अभियान चलाकर दूसरे डोज की दी गई वैक्सीन। तो चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राज्य भर में आज विशेष अभियान चलाकर दूसरे डोज की दी गई वैक्सीन। बिहार में कोरोना की पहली डोज वैक्सीन ले चुके लोगों को आज प्राथमिकता के साथ दूसरे डोज की वैक्सीन दी जा रही है। सभी टीकाकरण केंद्रों पर केवल दूसरे डोज लेने वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी ताकि राज्य में पहले और दूसरे डोज लेने वाले लोगों का अनुपात बना रहे। इसलिए विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों व सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि आज सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वाले लोगों को ही प्राथमिकता दी जाए। बताते चले कि राज्य में 16 जनवरी से 5 सितंबर के बीच 3,95,19,427 लोगों को कोविड के टीके दिए गए हैं। करीब 8 महीनों में 3,29,00,773 लोगों को पहली और 66,18,654 को दोनों डोज दी जा चुकी है। इसलिए अब दूसरे डोज के अंतर को कम करने के लिए अभियान चल रहा है। प्रदेश में अभी सताएगी उमस भरी गर्मी। बिहार में इन दिनों बारिश के दर्शन नहीं हो रहे हैं क्योंकि मानसून अब कमजोर पड़ चुका है और फिलहाल स्थानीय कारणों से भी बारिश के आसार नहीं बनते दिख रहे। इसलिए मौसम में उमस भर जाने से लोग बाग हलकान हो रहे हैं। दूसरी तरफ तेज धूप की तपिश ने इस गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल इससे राहत मिलना मुश्किल है। स्थानीय कारणों से कहीं कहीं बारिश हो सकती है, हालांकि मूसलाधार बारिश होने की संभावना अभी नहीं है। अब अवैध खनन में संलिप्त नए अधिकारियों पर गाज गिरने की है तैयारी। राज्य में अवैध बालू खनन से जुड़े माफियाओं के अलावे इन्हें संरक्षण देकर मोटी कमाई करने वाले अफसरों पर भी सिकंजा कसा जा रहा है। इस कड़ी में इस धंधे से संपत्ति को बढ़ाने वाले नए अधिकारियों को नापने की तैयारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। ईओयू के सूत्रों के मुताबिक अगले 5 से 7 दिनों में आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई नए अफसरों पर एफआईआर दर्ज कर उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। इस बार पुलिस के साथ परिवहन विभाग के भी अफसर हो सकते हैं। निलंबित अफसरों के सरकारी सेवा में आने के दिन से अभी तक के आय व्यय निवेश टैक्स आदि की जांच की जा रही है। इसलिए जैसे जैसे सबूत मिल रहे हैं वैसे ही इन अफसरों पर एफआईआर किया जा रहा है। फिलहाल 41 सरकारी अफसरों की संपत्ति की जांच ईओयू की टीम कर रही है। इस सप्ताह आ सकता है 67वीं बीपीएससी का विज्ञापन। सिविल सेवा की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। इस सप्ताह के भीतर 67वीं बीपीएससी के लिए विज्ञापन आ सकता है, जिसके बाद दिसंबर महीने में 12 दिसंबर के करीब इसकी पीटी परीक्षा भी हो जाएगी। बताते चले कि 67वीं बीपीएससी के लिए रिक्तियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसके लिए पदों की संख्या 365 से बढ़ाकर अब 503 कर दिया गया है। इसके अनुसार अब एसडीएम के 88 पद और ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 133 पद हो गए हैं। इस नई रिक्ति में नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी की रिक्तियां भी शामिल हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को सीट बढ़ने का फायदा मिलेगा। सूबे की 2 विधानसभा सीटों पर छठ पर्व के बाद हो सकते हैं उपचुनाव। राज्य के तारापुर और कुशेश्वरस्थान विधानसभा की सीटें कई महीनों से खाली है, जिन पर अब उपचुनाव त्योहारों के खत्म होने के बाद ही कराए जाने की संभावना है। इस संबंध में पिछले दिनों चुनाव आयोग ने कई राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें राज्यों की तरफ से सलाह दी गई कि बिहार के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को दिवाली छठ के बाद ही कराया जाए। इसे आयोग ने भी मान लिया है। इस दौरान बिहार में बाढ़ और कोरोना के लिहाज से भी नवम्बर दिसम्बर में उपचुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्य में फिलहाल पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में आखिरी चरण में पंचायत चुनाव का शोर भी थम जाएगा, जिसके बाद ही तारापुर और कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकेंगे। आपको बता दें कि मुंगेर जिले का तारापुर सीट जेडीयू के विधायक रहे मेवालाल चौधरी के निधन के बाद से ही खाली है। तो वहीं कुशेश्वरस्थान से जेडीयू के विधायक रहे शशिभूषण हजारी का निधन हो गया था, जिससे यह सीट भी अभी खाली है। एनटीए ने नीट परीक्षा के लिए ड्रेस कोड किया जारी। मेडिकल कोर्सेज के लिए होने वाली राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा नीट 2021 की परीक्षा 12 सितंबर को होने वाली है। इसके लिए 9 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले परीक्षा को आयोजित करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड को जारी कर दिया है, जिसे सभी अभ्यर्थियों को फॉलो करना होगा। परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की ज्वेलरी, कोई मेटल की चीज या कम्युनिकेशन टूल्स ले जाने की अनुमति नहीं है। वहीं लड़कियों को हाई हील शूज, बड़े पॉकेट वाले जींस, किसी भी तरह के गहने पहनने पर रोक रहेगी। तो वहीं लड़कों को फुल बाजू की शर्ट या फिर टी शर्ट, बंद जूते पहनने पर रोक रहेगी। इस दौरान फेस मास्क और ग्लव्स लगाने को अनिवार्य किया गया है।
शिक्षक दिवस पर सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। बीते दिन शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी है। शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर मंच से उन्होंने कहा कि बिहार में स्कूली शिक्षकों के खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां जारी है, तो वहीं सभी विद्यालयों में बेहतर प्रबंधन के लिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का नया संवर्ग बनाया गया है, जिसके पदों के लिए बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी ही बहाल किए जाएंगे। बताते चले कि इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि अगले साल से शिक्षकों को मिलने वाली राजकीय पुरस्कार की राशि को भी बढ़ाया जाएगा। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बिग बॉस ओटीटी से हुई बाहर। कलर्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर चल रहे बिग बॉस के पहले सीजन से भोजपुरी फिल्मों की अदाकारा अक्षरा सिंह बाहर हो गई है। बीते दिन शो के रविवार के बाद में करण जौहर ने अक्षर सिंह के शो से बाहर होने का फैसला सुनाया। साथ ही साथ पंजाबी सिंगर मिलिंद गावा भी शो से बाहर हो गए। दरअसल शो में अक्षरा सिंह का काफी अग्रेसिव रूप फैंस को देखने को मिला, तो वहीं कंटेस्टेंट नेहा भसीन की बॉडी शेमिंग करते हुए उनके ऊपर भद्दी टिप्पणी भी की गई थी, जिसके बाद से ही वे फैंस के निशाने पर आई थी। हालांकि अक्षरा सिंह ने सभी से इसके लिए बाद में हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़। इस महीने का पहला जनता दरबार कार्यक्रम का आज सुबह आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने शिकायत करने के लिए सैकड़ों फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने आज के जनता दरबार में गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी खान भूतत्व और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी शिकायतों को सुना और वह उनके निपटारे किए। वह इस दौरान सबसे अधिक मामले भूमि और पुलिस से जुड़े आए, जिनमें एक महिला ने थानेदार द्वारा पति की हत्या के आरोपी को खुलेआम बचाने की बात कही, जिसके बाद सीएम ने उस महिला को डीजीपी के पास भेज दिया। बोधगया में आध्यात्मिक मान्यता के साथ तैयार होगा 100 कमरे वाला अतिथि गृह। बौद्ध मान्यताओं का पवित्र स्थल बोधगया का ढांचा जल्द ही बदलने वाला है। यहां आध्यात्मिक मान्यताओं को सहेजते हुए 100 कमरे का राज्य अतिथि गृह तैयार किया जाएगा और इसे बनाने में महत्वपूर्ण भारतीय बौद्ध संरचनाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें महाबोधि मंदिर, बोधिसत्व, लोमश ऋषि गुफा की संरचनाएं शामिल रहेंगी। इस अतिथि गृह में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के अलावे 7 मंजिले होंगे, जिनमें ठहरने वाले मेहमानों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। गौरतलब है कि इससे बोधगया में पर्यटकों की संख्या पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कल से शुरू होगा पंचायत चुनाव के दूसरे फेज का नामांकन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है और इसी के साथ कल मंगलवार यानी कि 7 सितंबर से इस फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। बताते चले कि दूसरे चरण में कुल 34 जिलों के 48 प्रखंडों में 13 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 18 सितंबर तक कैंडिडेट्स अपना नाम वापस ले सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव की गाइडलाइंस में काफी कुछ बदलाव किया है, जिसका पालन सभी को नामांकन भरने के समय करना होगा। तेज प्रताप यादव का नया छात्र संगठन यूपी चुनाव में भी होगा मुखर। राजद में आपसी कलह के बीच बीते दिन शिक्षक दिवस के अवसर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुद का नया छात्र संगठन बना लिया है, जिसका नाम छात्र जनशक्ति परिषद रखा गया। तेज प्रताप के मुताबिक यह नया छात्र संगठन आरजेडी का ही अंग होगा, जो बिहार और इसके बाहर भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगा। खासकर आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप यादव का यह नया छात्र संगठन मुखर होकर के लिए काम करेगा और योगी सरकार की खामियों को लोगों को बताएगा। बताते चले कि शिक्षक दिवस के मौके पर इस नए संगठन का ऐलान किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रशांत प्रताप को बनाया गया है। बताते चले कि राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छात्र राजद में हस्तक्षेप के बाद से ही तेज प्रताप की नाराजगी बढ़ गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का गुजरात में हुआ भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुखरता से उतरने के प्लान से विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी इन दिनों निषाद समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं और इस कड़ी में देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस क्रम में वे बीते दिन पीएम मोदी के गढ़ गुजरात पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस बात की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी का गठबंधन फिलहाल किसी पार्टी से नहीं है। पूरे 165 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश समेत देश भर के निषाद भाइयों एवं बहनों को एकजुट कर उनका विकास करना और जिन राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला है उनको आरक्षण दिलाना है। राजद प्रदेश कार्यालय के मामले में जदयू अध्यक्ष ने दिया बयान। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय को विस्तार करने का मामला अब सियासी रंग पकड़ रहा है और इसमें अब पक्ष विपक्ष के नेतागण के बयान आने लगे हैं। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाए थे कि वे जानबूझकर राजद को जमीन नहीं दे रहे हैं, जिस पर अब जदयू
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीते दिन विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह कुतर्क करने के मास्टर हैं, इसलिए वे कुतर्क ही करते हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में सीएम के फैसले के अनुसार जो भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उस पार्टी को पटना में जगह दी गई है। आरजेडी ने जो मांगा है वह उन्हें मिला है। अगर अब वह विस्तार करना चाहते हैं तो जाकर पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाएं। सहवाग ने अजिंक्य रहाणे को दी अनोखी सलाह। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले के दौरान भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। इस दौरे पर 4 टेस्ट की 8 पारियों में वह सिर्फ एक बार 50 के अंक तक पहुंच पाए हैं, जिसे लेकर पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने रहाणे को इस खराब फॉर्म से उबरने के लिए सलाह दी है। सहवाग ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और तब सचिन तेंदुलकर ने मुझे एक सुझाव दिया था। मैं भी रहाणे को वही सलाह देना चाहता हूं कि अब बस मैदान पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें। ये सोचिए कि आपको अपने माता पिता मैदान पर खेलते देखना चाहते हैं। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार के वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन लेने वाले लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल रही है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।